अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब, क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, नई नई आवाज़ें सीख रहे हैं। और आजकल चल रहा है हमारा रिवीजन जी जनाब, हम अपनी पिछली आवाज़ों को अच्छे से दोहरा रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि भाई हम पुरानी अपनी पिछली आवाज़ें भूल तो नहीं गए हैं, हमें सारी आवाज़ें अच्छे से याद है ना। तो जनाब आज भी हम करते हैं रिवीजन, आज भी हम पढ़ते हैं और अपनी पिछली आवाज़ों को दोहराते हैं। तो जनाब याद कीजिए कि हमने कुछ आवाज़ें पढ़ी थी, हमने शुरू की आवाज़ें भी पढ़ी थी और हमने साथ साथ आखिर की आवाज़ें भी पढ़ी थी। जी जनाब, हमने आखिर की आवाज़ें भी पढ़ी थी। दो आवाज़ें थी हमारे पास जो हमने पढ़ी थी, एक थी ई की आवाज़ और एक थी ए की आवाज़। ई ए, ई ए। तो जनाब आज इन दोनों आवाज़ों को अच्छे से दोहराते हैं। तो जनाब खोल लीजिए अपनी किताब, उर्दू सिलसिला साल दो की किताब खोल लीजिए। यहाँ पे सफ़ा खुल चुका है और सफ़े पे देखिए आप, यहाँ पे तीन आइकन्स बने हुए हैं। तीन आइकन्स हैं, पढ़िए, पेंसिल फेरिए, रंग भरिए। जी जनाब, पढ़िए, पेंसिल फेरिए, रंग भरिए। पहले हमने पढ़ना है, फिर पेंसिल फेरनी है और फिर रंग भरना है। लेकिन जनाब पढ़ना तो हमने है, यहाँ पे पढ़ तो हम लेंगे, लेकिन हम पेंसिल भी फेर चुके हैं और रंग भी पढ़ चुके हैं क्योंकि कर रहे हैं हम रिवीजन। तो जनाब आप अपनी रफ कॉपी पे ज़रूर पेंसिल फेरिएगा, ठीक है जनाब। अब हमने क्या करना है, पहले इसको पढ़ना है। तारीख हम यहाँ पर लिख चुके हैं, आप चाहें तो आज रिवीजन की तारीख यहाँ पर डाल सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये कौन सी आवाज़ है। ई, 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 मक्खी। ई, मक्खी की आखिर की आवाज़। ई, मक्खी की आखिर की आवाज़। ई, मक्खी। ई, मक्खी। ई, मक्खी। ई, मक्खी की आखिर की आवाज़। ई, मक्खी की आखिर की आवाज़। ई, मकड़ी। ई, मकड़ी। ई, मकड़ी। ई, मकड़ी की आखिर की आवाज़। ई, मकड़ी की आखिर की आवाज़। ई, घड़ी। ई, घड़ी। ई, घड़ी। ई, घड़ी की आखिर की आवाज़। ई, घड़ी की आखिर की आवाज़। ई, मक्खी, मकड़ी, घड़ी, इन सब की आखिर की आवाज़ है ई, ई, ई। अब हम पेंसिल फेरेंगे। तो जनाब रफ कॉपी पे अपने पेंसिल फेरने की प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे तो आप इसी कॉपी पे भी यहाँ पे भी अब दोबारा से जो है इन पे पेंसिल फेर सकते हैं। और पेंसिल फेरते हुए आपने नज़म पढ़नी है। नज़म क्या है हमारी ई की, जल्दी से सुनाइए। उल्टा करके दुख घुमाया, मोटा ताज़ा ई को पाया। उल्टा करके दुख घुमाया, मोटा ताज़ा ई को पाया। एक दफ़ा और पढ़े मेरे साथ। उल्टा करके दक घुमाया, मोटा ताज़ा ई को पाया। चलिए जी जनाब, अब हम आ जाते हैं अपनी ए की आवाज़ पे। ए की आवाज़ यहाँ पे लिखी हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ तस्वीरें, पढ़ते हैं यहाँ पे। बाजे, बाजे, बाजे। बाजे की आखिर की आवाज़ ए, बाजे की आखिर की आवाज़ ए। बाजे ए, बाजे ए, बाजे ए। बाजे की आखिर की आवाज़ ए। दाने, दाने, दाने। दाने की आखिर की आवाज़ ए। दाने ए, दाने ए, दाने ए। खाने, 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 खाने ए, खाने ए, खाने ए। बाजे दाने खाने, बाजे दाने खाने, इन सब की आखिर की आवाज़ है ए, ए, ए। अब हम क्या करेंगे, ए को लिखने की मशक करेंगे। आप चाहें तो इसी पेज पे ए को दोबारा से लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो रफ कॉपी निकाल लीजिए, वहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की मशक कीजिए और साथ साथ ए की नज़म भी पढ़ते जाइए। ए की नज़म क्या है हमारे पास, र को खींचो ए को बना लो, दाने पापे सारे खा लो। र को खींचो ए बना लो, दाने पापे सारे खा लो। एक और दफ़ा पढ़े मेरे साथ। र को खींचो
ऐ बना लो दाने पापे सारे खा लो। जी जनाब, अब क्या करेंगे इन दोनों आवाज़ों को जो हमने आखिर की आवाज़ें आज अच्छे से दोहराई हैं, पढ़ी हैं, आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, सफ़ों को दोहराइएगा, आवाज़ों को दोहराइएगा, तस्वीर के आखिर की आवाज़ को पहचानिएगा, लिखने की मश्क कीजिएगा, नज़्मों को याद कीजिएगा, मम्मा बाबा के साथ बैठिएगा, उनको सुनाइएगा, टीचर को वॉइस नोट भेजिएगा, लिखने की प्रैक्टिस जो आपने की है, मश्क की है, उसकी तस्वीर भेजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।